14 नवंबर 1995 को चाइना के युआन में युआन बस टर्मिनल से फ्रेग्रेंट हिल्स तक जाने के लिए देर रात को एक बस निकलता है। इस बस में एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर मौजूद था। फिर थोड़ी देर बाद इस बस में एक बुजुर्ग महिला और एक लड़का चढ़ता है और बस फिर से अपनी यात्रा शुरू करती है। क्योंकि ये ठंड का महीना था तो वो बस जिस रास्ते से जा रही थी वो रास्ता एकदम सुनसान और अंधेरे से घिरा हुआ था। फिर कई घंटे बाद उस बस में दो लोग चढ़ता है और सबसे पीछे वाली सीट पर बैठ जाता है। लेकिन ठीक से देखने पर पता चलता है वो दो नहीं तीन लोग थे। उन दोनों के बीच में एक आधा इंसान लटका हुआ था जिसे देखकर बाकी पैसेंजर डर गए। फिर कुछ समय बाद बस में बैठी बुरी महिला जोर जोर से बोलती है, इस सामने वाले लड़के ने मेरा पर्स चुराया है और हम दोनों को यहाँ पर ही उतार दो ताकि मैं इस लड़के के ऊपर केस कर सकूं। और कंडक्टर ऐसा ही करता है। फिर बस से उतर जाने के बाद लड़का उस महिला पर गुस्सा करने लगता है लेकिन महिला उससे माफी मांगता है और कहता है, ये मैंने तुम्हारी हिफाजत के लिए बोला था क्योंकि हमारे पीछे जो तीन लोग बैठे थे वो इंसान नहीं थे। जिसे सुनकर उस लड़के का रूह कांप उठा। फिर इस घटना के कुछ दिन बाद खबर आया कि वो बस 100 किलोमीटर दूर एक नदी में 5 लाशों के साथ मिला। लेकिन शॉकिंग बात तो ये थी कि आखिर उस दिन वो बस 100 किलोमीटर दूर कैसे गया जबकि उस बस में तो 20 किलोमीटर जाने तक ही पेट्रोल था।